इंडी लव चैनल और आज हम आपके लिए ले आए हैं वर्ल्ड वॉर मेमोरियल फ्रॉम असेटिया और ये है असेटियन वर्ल्ड वॉर मेमोरियल और जैसा कि आप देख रहे हैं क्वीन एलिजाबेथ और असेशन लीडर्स और आप हम आपको बताने वाले हैं इतिहास असेटिया का। ये है रशियन क्वीन एलिजाबेथ और ये है असेशन लीडर। जैसा कि आप जानते हैं कोई भी छोटी कंट्री एक कमजोर कंट्री होती है और किसी भी बड़े देश के लिए उस पे हमला करना काफी आसान होता है। ऑसेशियंस लीडर ने निर्णय लिया कि वो एक संधि करेंगे रसिया के साथ अपने शहर की रक्षा करने के लिए और ये काफी सही निर्णय था उनके लिए क्योंकि वो जानते थे कि उनके जैसे छोटा देश जो काफी कमजोर है उनके लिए बिजनेस और वॉर दोनों काफी कठिन है। इसके वजह से उन्होंने निर्णय लिया कि वो एक संधि पे हस्ताक्षर करेंगे जो कि रशियन राजदूत प्योतर क्रिचेतनिकोव उन्होंने रशिया का प्रतिनिधित्व किया और 20 ऑसेशियन लीडर्स के साथ उनकी मुलाकात हुई जिसमें ये संधि हुई ऑसेटिया का विलय रशिया के साथ हो जाएगा और ऑसेटिया की रक्षा रशिया करेगी। इसमें फेमस जॉर्जियन और रशियन रोड भी शामिल है और इस वजह से ये 50-50 दोनों के लिए अच्छा था और आज ये सफल कंट्री है अपने बिजनेस में अपने कल्चर में और अपने एजुकेशन में। चलिए चलते हैं यहाँ के फेमस वर्ल्ड वॉर मेमोरियल पे और आपको दिखाते हैं हिस्ट्री वर्ल्ड वॉर की। हेलो फ्रेंड्स, सो मैं बात कर रहा था ऑसेशिया के वर्ल्ड वॉर मेमोरियल के। तो बात यह है कि उत्तरी ऑसेशिया के जवानों ने लगभग सभी प्रकार के हथियारों और सशस्त्र बलों के साथ युद्ध में भाग लिया और अपने दुश्मनों के साथ लड़ाई लड़ी जो कि रशिया के साथ साथ विश्व के और कई जगह स्थानों पे जैसे मॉस्को लेनिनग्राद की और कॉकास माउंटेन्स पे द्वितीय विश्व युद्ध की लड़ाई लड़ी। द्वितीय विश्व युद्ध उस समय 1941 से लेकर 1945 तक चला था जिसमें करीब 89,000 से लेकर 90,000 ऑसेशियन लोग शामिल हुए और इस युद्ध में करीब 40,000 लोग वापस हो गए। बात यह है कि उस समय यहाँ के हर पांचवें घर से कोई न कोई जवान इस युद्ध में शामिल हुआ जिसमें से कम ही लौट कर वापस आ पाए और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था क्यों इसको सिटी ऑफ वॉरियर्स कहा जाता है। ये यहाँ के लोगों की वीरता को दर्शाता है। यहाँ हर किसी घर में आप अगर जाएंगे और बात करेंगे तो कोई ना कोई शहीद या युद्ध में शामिल हुआ व्यक्ति आपको मिल जाएगा। ये है मेरी गर्लफ्रेंड जाया, इनके भी घर से इनके दादाजी ने इस युद्ध में भाग लिया। जाया, do you remember any story from your grandpa? He tell anything about World War and what you thought about this war? Actually, for him was so hard to speak about it, so we talk less. And what about, I listened from your mom that his one hand was injured. Yes, it's true. In his hand was one bullet. Actually, he didn't like to speak about war because of bad memories and things and this trauma. In your country, people know about Indians also fought in World War and anything about Indian warriors? Actually, in our books, nothing about this information, but in war was different type of people, different nationalities. So, I think Indians also won. तो दोस्तों, आपने इनको सुना होगा और आपको पता चल गया होगा कि लोग इस बारे में ज्यादा बात करना पसंद नहीं करते, फिर भी ये लोग अपने योद्धाओं का बहुत सम्मान करते हैं क्योंकि बुरी यादों के कारण यहाँ के लोग इस बारे में बात नहीं करते हैं। और चलिए आपको दिखाते हैं इटर्नल फायर। दोस्तों, ये है इटर्नल फायर जो यहाँ के लोगों के दिलों में इन वीरों के सम्मान का प्रतिनिधित्व करता है। ये फायर कभी भी बुझता नहीं है, जैसे कि हमारे यहाँ राजघाट पे या हमारे वीरों के लिए हमारे यहाँ भी इटर्नल फायर है। वर्ल्ड वॉर के समय के वीरों का
सम्मान दर्शाया गया है यहाँ पे कि कैसे 1941 से लेकर और 1945 तक यहाँ के लोग इस युद्ध में लड़े थे। ये है उनकी जर्नी। और हम इंडियन हमेशा वीरों का सम्मान करते हैं। हमारी धरती वीरों की धरती है, इसलिए मुझे गर्व होता है जब मैं किसी भी देश के वीरों के वीरगति की गाथा सुनता हूँ। दोस्तों, ये ग्रेवयार्ड यहाँ वर्ल्ड वॉर मेमोरियल के ही पार्क में बना हुआ है। यहाँ पे अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले लोगों को स्थान दिया जाता है। यहाँ पे कई बड़े आर्टिस्ट, प्रोफेसर्स और वैज्ञानिकों को बरी किया गया है। चलिए यहाँ पे आपको कुछ फेमस लोगों की ग्रेव दिखाते हैं। दोस्तों, ये हैं यहाँ के फेमस आर्टिस्ट कोस्ता। आप देख सकते हैं कि नीचे उनके बर्थ और डेथ के साल लिखे गए हैं और साथ ही साथ उनके जैसी दिखने वाली मूर्ति बनाई गई है। इसके साथ साथ कुछ लोगों के चित्र भी उकेरे गए हैं जो अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किए हैं। तो आप देख सकते हैं, ये है यहाँ के फेमस लोगों का ग्रेवयार्ड। Search but you see.